हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 1664 पोस्ट पे आपको वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 8 ट्रेन RTI ये तीनों के लिए आपको एलिजिबल मांग रहा है, जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं हो रही, इसमें सीधी भर्ती होने जा रही जो मेरिट लिस्ट पर होगी। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। sarkarirezultsearch.com पर आप आज जाइएगा और यहाँ से आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे NCR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 वैकेंसी आई हुई है, सारा कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे NCR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए ये वैकेंसी है। पोस्ट नेम की बात करते हैं ACT अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 है, जिसका इंपॉर्टेंट डेट स्टार्टिंग 2 अगस्त 2021 से हो रही है। लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन 1 सितंबर 2021 तक चलेगी। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की बात करें तो 1 सितंबर 2021 तक ये भी होने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व OBC को 100 रुपया लग रही है, जबकि SC ST PH ओमेन को 0 रुपया लग रहा है। पेमेंट की माध्यम बात करें तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तीनों से पेमेंट ये होती है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और वहाँ से जानते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में लोकेशन हो गए। एज लिमिट की बात करें तो 1 सितंबर 2021 तक मिनिमम 15 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स की होगी। एज रिडक्शन की बात करें तो एज पर रूल्स के हिसाब से ये काम करेगी। यहाँ आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो पोस्ट नेम ACT अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 है, जबकि नंबर ऑफ पोस्ट 1723 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल 771 पोस्ट है, OBC 442 पोस्ट है, EWS 146 पोस्ट है, SC 246 पोस्ट है और ST 118 पोस्ट है। डिवीज़न वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 364 पोस्ट है, जिसमें जनरल 149 है, OBC 98 है, EWS 35 है, SC 55 है, ST 27 है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की बात करें तो 339 पोस्ट है, जिसमें जनरल 138 है, OBC 90, EWS 35, SC 50 और ST 26 है। झांसी डिवीज़न की बात करें तो 480 पोस्ट है, जनरल 243, OBC 130, EWS 46, SC 71, ST 36। वर्कशॉप झांसी की बात करें तो 185 पोस्ट है, जिसमें जनरल 89, OBC 45, EWS 17, SC 24, ST 10 है। आगरा डिवीज़न की बात करें तो 296 पोस्ट है, जिसमें जनरल 152, OBC 79, EWS 13, SC 46, ST 19। पे स्केल की बात करें तो ये रूल्स के हिसाब से पे करेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट पास्ड देयर हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद 50% एंड ऑल्सो हैविंग ITI डिग्री रिलेटेड ट्रेड कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हाई स्कूल से पास करना है, मैक्सिमम 50 मार्क्स और ITI की डिग्री होनी चाहिए जिस ट्रेड में आपको भरना है। कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू रीड फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। आपको सारा कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेना अप्लाई से पहले। और अप्लाई की बात करें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात करें तो सेलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट पर आपको चयन होगी। अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करूँगा तो इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग के सामने आएगा। आप सारा कुछ इसमें पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ इसमें दिया गया है, कब से ये ओपन है, कब से ये क्लोज है, वही सब है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो यही एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोग के लिए लाया था। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।